नमस्कार मैं सुषमा त्यागी आप सबों का मोरीज़ किचन में स्वागत करती हूं तो आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही सिंपल यूनिक और टेस्टी मसाला वेज खिचड़ी की रेसिपी उम्मीद करती हूं ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो यहाँ लिया है कुकर कुकर जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ इसमें डाला है करीबन एक टेबल स्पून घी और घी जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालने वाले हैं एक कटोरी मसूर दाल जिसको कि मैंने धोकर साफ़ कर कर आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था आप चाहें तो मूंग दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं अब इनको हम करीबन दो से तीन मिनट के लिए सौटे करेंगे अब आप चाहें तो इसमें आधा मूँग और आधा मसूर की दाल भी डाल सकते हैं मैंने केवल मसूर की दाल का प्रयोग किया क्योंकि इससे खिचड़ी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है करीबन दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब इसमें मैंने पानी डाला है ज़रूरत के हिसाब से करीबन एक से डेढ़ कटोरी पानी डाला है अच्छी तरीके से मिक्स किया है और ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर एक विसल आने तक के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है अब दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है करीबन दो टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी प्रयोग कर सकते हैं मैंने तेल डाला है तेल जैसे गर्म हुआ इसमें मैंने डाला है जीरा जीरा जैसे चटकने लगा इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग हींग से खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है अब डाला है इसमें मैंने तेज पत्ता करीबन दो तेज पत्ते डाले हैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची जिसको कि मैंने स्लिट करके रखा था और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ मीडियम साइज़ का एक प्याज जिसको कि मैंने फाइनली चॉप करके रखा था अब इसको हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और प्याज से उसके कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो ना निकल जाए अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ मैंने हरे लहसन का प्रयोग किया है आप चाहें तो नॉर्मल लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं अभी हरे लहसुन आ रहे थे इसलिए मैंने हरे लहसन का प्रयोग किया है अब इनको भी चलाते हुए करीबन हम थोड़ी देर भूनेंगे अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही साथ ऐड कर रही हूँ मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार अब इनको हम चलाएँगे और चलाते हुए इनका तब तक हम इनको भूनने वाले जब तक कि हमारे अदरक लहसन और प्याज की जो कच्चापन है वो ना दूर हो जाए तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन दो चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच और ये दूसरा चम्मच मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और अब इसमें मैंने डाला है एक चम्मच जीरा पाउडर और इन सबों को चलाते हुए फिर हम तब तक भूनने वाले हैं जब तक कि धनिया और जीरे का कच्चा पन्ना ना निकल जाए तो दोस्तों ये खिचड़ी खाने में बहुत ही यूनिक और टेस्टी बनती है अब इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन दो मीडियम साइज के टमाटर जिसको कि मैंने फाइनली चॉप कर रखा था और इनको चलाते हुए हम तब तक भूनने वाले हैं जब तक कि हमारे टमाटर थोड़े से मसी ना हो जाए और हल्के से गल ना जाए तो ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं अब मैंने फ्लेम को थोड़ा कर दिया है कम और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी सब्जियाँ डाला है गाजर और अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें हरी कैप्सिकम जिसको कि फाइनली चॉप कर रखा था डाल रही हूँ बीन्स इसके साथ ही साथ अब ऐड करने वाली हूँ मैं गोभी इसको भी छोटे छोटे मैंने पीसेस में कट कर रखा था ये डाल रही है मैंने मटर सब्जियाँ आप अपने हिसाब से ज, कम या ज़्यादा ले सकते हैं जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होंगी उतना ज़्यादा फाइबर कॉन्टेंट होगा और खिचड़ी हमारी उतनी ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी तो इन सबों को हम करीबन चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए सॉटे करेंगे जब तक कि जब तक कि हमारी फ़ोर्टी परसेंट सब्ज़ियाँ न गल जाए फोर्टी परसेंट सब्जियाँ गल चुकी हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो कप चावल जिसको कि मैंने धोकर साफ़ कर कर इसे भी मैंने करीबन पंद्रह से बीस मिनट करके भिगो के रख रखा था तो ये मैंने चावल इसमें डाल दिए अब इसको भी हम चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भुनेंगे तो जब खिचड़ी बनाए ना तो चावल को हल्का सा यदि आप सॉटे कर लेना तो खिचड़ी का स्वाद जो है ना यकीन मानिए बहुत अच्छा आता है उम्मीद करती हूँ आज के ये खिचड़ी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी और आप अपने घर पर इसे जरूर ट्राई करेंगे अब इसमें मैं डालने वाली हूँ हमने दाल कुक करके रखा था ना याद है ना हमने प्रेशर कुकर में हाई फ्लेम पर एक सिटी के लिए कुक किया था वो दाल मैंने इसमें कर दिया है ट्रांसफर और इसमें पानी डाल रही हूँ जरूरत के हिसाब से पानी डालें यहाँ करीब मैंने दो कप पानी डाला है अब अच्छे तरीके से धीरे से चलाना है ताकि हमारे चावल ना टूट जाए अब अच्छी तरीके से ये देखिए पानी हमारा मिक्स हो गया है अब इसको ढक्कन लगा कर करीबन तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था तो अब करती हूँ मैं स्विच ऑफ़ और ये देखिए हमारी खिचड़ियाँ कितने अच्छी तरीके से गल चुकी हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मन करता है अभी खाने बैठूँ बट ना ना अभी तो खिचड़ी का जो यूनिकनेस है वो बाक़ी है जी हा, हाँ अब हाँ, हम करने वाले हैं इसके तड़के की तैयारी तो तड़के पैन में मैंने घी लिया है घी जैसे गर्म हुआ इसमें डाला है जीरा और साथ ही डाला है लौंग तीन से चार और अब इसमें डाल रही हूँ तेज पत्ता और उसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है स्विच ऑफ अब इसमें मैं डालने वाली हूँ एक चम्मच काश्मीरी मिर्च आप चाहें तो देगी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं पर स्विच ऑफ करने के बाद ही डालें अदरवाइज़ मिर्ची जल जाएगी तो अच्छी तरीके से इसको मैंने मिर्ची को चला लिया है अब इस तड़के को मैं खिचड़ी पे करने वाली हूँ पोर वाव ये तड़का जो है ना यही तो इंडियन किचन की खास पहचान होती है और ये हमारी यम्मी खिचड़ी तैयार हो गई गार्निश कर दिया मैंने इसको हरे धनिये की पत्ती के साथ तो रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप यदि मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसे मैंने परोसा है गर्मा गर्म घी दही और आलू के चोखे के साथ बाँ बाँ।